हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं आलू प्याज की बिल्कुल नई रेसिपी। तो उसके लिए हमें 4 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 छोटे टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और मैंने ये मसाले निकाल लिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, जो भी मसाले आप डालना चाहें। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा ली है और उसमें जीरा डाल दिया है। जब जी हमारा जीरा चटक जाएगा उसके बाद हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है वरना उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए प्याज को बस हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद उसमें हमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। यहाँ मसाले मैंने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, हींग मिक्स कर दिए हैं। अब हमारा मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब तक इसे चलाते रहना है। और मसाला जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसमें हमें टमाटर ऐड कर देने हैं। अब ये मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च कटे हुए ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे फिर से चलाएँगे। टमाटर को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हल्का सा टमाटर भुनने के बाद इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू मैंने चौकोर पीस में कट किए हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कट कीजिए। अब हम अच्छे से आलू मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। ये हल्की सी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इसमें पानी ऐसा डालना है कि ये गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली तैयार हो। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी और बिल्कुल अलग लगती है। जब कुछ भी सब्ज़ी बनाने का खाने का मन ना हो तो एक बार ये ट्राई कीजिए। आलू की थोड़ी अलग सब्ज़ी भी लगेगी और ये टेस्टी भी लगेगी। एक बार बनाने के बाद आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए अभी हमारी सब्ज़ी पे कलर कितना अच्छा आ गया है। हल्का सा हम आलू को फोड़ लेंगे जिससे कि हमारा रेशा गाढ़ा हो जाए। अब इसे ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है हमारी। आइए आप सभी भी खा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे एक अलग नई रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।